माइक ऑन करने छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, तेरा वचन कहता है कि योर वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। तेरा वचन जीवन देता है, हम धन्यवाद देते हैं। समय में प्रार्थना करती हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं चलूंगी। होगा तू मुझे अभिषेक कर और हमारे हर एक के साथ, एक हम सब के साथ तू बातें कर। ईश्वर, तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। हाँ, मैं एक इतिहास 14:8-17 तक पढ़ूंगी। फलिस्तियों पर दाऊद की विजय। जब फलिस्तियों ने सुना कि पूरे इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने की निकल गया। फलिस्ती आए और रिफाइम नामक तराई में दावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उसे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासिम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रु पर जल की धारा के समान फूट पड़ा है, इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आगे लगाकर फूक दिया गए। दूसरी बार फलिस्तियों ने उस तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्ष के सामने से उन पर छिपा मार। और जब तूत के वृक्ष की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़ी, तब यहाँ जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर फलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इसराइलियों ने फलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय कर दिया। तो आज माय मैसेज टुडे इज लॉर्ड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू। हिंदी में ऐसा है कि परमेश्वर यहोवा टूट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जैसे कि 1 कुरिन्थियन 15:46 जो पास्टर का फेमस वर्स है, फर्स्ट कम्स फिजिकल देन कम्स स्पिरिचुअल। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि जो लड़ाई होती थी वो सचमुच हथियार के साथ और जो योद्धा थे या उन मीन रियल बैटल होता था। ओके और यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से फिलिस्तियों दाऊद के खिलाफ आए। उन्होंने सुना कि उसका अभिषेक हुआ, सो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय हिम। ओके उनके विरुद्ध आना चाहता था। लेकिन दो वचन में हम देखते हैं कि वचन 10:14 एंड वचन 14 में दो ही बार डेविड ने क्या किया कि गॉड कंसल्टेड अदोनाई। उसने क्या किया, पहला जाके परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से मीन्स उसका विरुद्ध मीन्स उसको कैसे अटैक करना है। तो पहली बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा, तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, या तू चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथों में कर दूंगा। और इसलिए
जब वे बाल परासिम की को आए तब दाऊद ने उनको मार लिया। तब दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रु पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिजिकल जो वॉर हो रहा था और यहोवा दाविद के साथ यहाँ पे था, तो उसने कंसल्ट किया यहोवा को कि मैं क्या करना चाहिए। तो जब भी है ना उसने जब उसने ऐसा किया तो यहोवा ने उसको विजय दिया। एक्चुअली इसमें मेरे पास सीजी बाइबल है और वहां पे एक्चुअली लिखा है बाल प्राजिल मीन्स लॉर्ड ऑफ ब्रेकिंग थ्रू। ओके, तो ये जो वर्ड है तो यहाँ पे किस तरह से इन्हें इंग्लिश में लिखा है, डेविड सेड गॉड हैज ब्रोकन थ्रू माय एनिमीज बाय माय पावर लाइक अ रिवर ब्रेकिंग थ्रू इट्स बैंक। ओके, तो ये मेरा आज का ये है। तो डेविड एक्चुअली नो क्लोजली यहोवा को फॉलो करता था, यानी जो भी कुछ है उसके जीवन में वो हमेशा उसको पूछता था, उसके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता था और जो ऐसे कहता है वो करता था। मैं थोड़ा सा कुछ डेविड के बारे में बोलना चाहती थी। अगर आप एक इतिहास में आप देखोगे क्रॉनिकल्स एक इतिहास का 11 में और 10 में ऐसा लिखा है, हम वो वचन को मैं पढ़ती हूँ, 11 का 10 में लिखा है, यहोवा ने इसराइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीर ने समस्त इसराइलों समेत उसके राज्य में उसके या उसके दाऊद के शूरवीरों की जो डेविड आपको यहाँ पे जानना है कि डेविड वॉज अ वॉरियर। ओके, एंड ही हैड द बेस्ट ऑफ मिलिट्री यू नो अंडर हिज रूलरशिप और अंडर हिज अथॉरिटी। तो यहाँ पे लिखा है कि एक इतिहास 12 में और 23 from the gadi a number of strong brave trained fighting men defected to David at the fortress in the desert. They could handle spear and shield, they were as fierce as lions and they were as fast as deer on the hill. Means uske jo army the ya wo itni trained thi, wo log brave the, wo log strong the aur wo log desert mein bhi hai na फाइटिंग कर सकते थे एंड दे कुड हैंडल शील्ड एंड स्पियर एंड दे वर फियर्स एज लायन एंड दे वर एज फास्ट एज डियर ऑन द हिल। मींस इतनी उसकी ये थी, मींस उसके लोग थे। इवन डेविड वाज अ मैन ऑफ वॉर। एक क्रॉनिकल्स 12 में 23 में भी उसके बारे में लिखा है कि डेविड वाज अ मैन ऑफ वॉर। और ये मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, क्योंकि डेविड वॉज अ फाइन फाइटर। ओके, उसके पास सब कुछ था, लेकिन हम देखते हैं जब एक लड़ाई हो गई तो उसने क्या किया, पहला अपने कंसल्ट नहीं किया या अपने चूज नहीं किया सोल्जर्स को, या मेरे पास इतने इतने शानदार इतने बड़े बड़े मीन्स फाइन वॉरियर्स आ दे, लेकिन उसने क्या किया, पहला यहोवा के पास गया और उसने कंसल्ट किया यहोवा को कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे लोग मेरे खिलाफ विरुद्ध आए तो मैं क्या करूं, है ना। सो ही दो ही हैड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यहोवा और उसने उसके ऊपर डिपेंड किया, उसने अपने स्ट्रेंथ अपने बल के ऊपर, उसके पास कितने स्ट्रेटजीज है, उसके पास कितनी मिलिट्री स्किल है, उसके ऊपर उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने यहोवा के ऊपर विश्वास किया। या और यहोवा हम देखते हैं कि दोनों बार यहोवा ने उसको विजय दिया फिलिस्तीनियों के ऊपर और खुद यहोवा उनके लिए लड़ाई कर रहा था, क्योंकि वहां पे पहली बार उसने कहा कि जैसे कि एक जल होता है ना, कि जिस तरह से या जल की धारा के समान
यहोवा टूट पड़ा है, तो यहोवा ने उसको उसमें विजय दी। और सेकंड टाइम वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, क्योंकि पहले 14 में परमेश्वर फिलिस्तीनियों की सेना के मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है, और उसने उसके आज्ञा को सुना और ये किया। तो उसी तरह से है ना, हमारे भी जीवन में बहुत से बैटल्स है, या हम भी हमारा हमारे भी जीवन चुनौती है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, हम दुख से जाते हैं, हम सफरिंग में रहते हैं, हमको बड़ा निर्णय लेना होता है, या हम डेली जो डिसीशन में ये करते हैं, हमको हमेशा है ना यहोवा को कंसल्ट करना है, हमको उसके पास जाना है, क्योंकि उसका उस जो हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ यहोवा जवाब है, वही सलूशन है, और वही हमको विजय करेगा। और जैसे कि उस यहोवा दुश्मनों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर टूट पड़ा, उसी तरह से हमारे भी परिस्थितियों के ऊपर वो टूट पड़ेगा, हमें वो विजय देगा, और वो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो हमारा बल है। हम अपने बल के ऊपर, हमारे स्किल के ऊपर, हमारे जो भी हम जानते हैं उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं करना है, लेकिन हमको यहोवा के पास जाना है। मैं मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, और ये 92 में था, मेरे जीवन में ऐसा हो गया कि मुझे एक लड़का मिला था, उसका नाम डेविड था, हम मीटिंग में थे और उसने मुझे पसंद किया, मुझे भी पसंद आया, तो हम अपने फैमिली के थ्रू और लीडर्स के थ्रू हम लोग ने दोनों ने डिसीशन अपना डिसीशन किया। और हमारे जो लीडर्स है, जैसे कि मेरा पास्टर था, वो हमेशा चाहता था कि चेक करने के लिए वो लड़का, क्योंकि वो बाहर से था, बाहर गांव से था, मुंबई का नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका कैरेक्टर चेक करने का था उसको। तो जैसे कि मेरा पास्टर जाने वाला था थोड़े दिन के बाद, लेकिन जब मैंने डेविड को कहा कि मेरे पास्टर है ना तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो मालूम नहीं मुझे डेविड के मन में क्या था, लेकिन उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसने कहा इतना ही कहा कि मुझे मेरे गांव जाना है और थोड़े दिन के बाद मैं वापस से आऊंगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। और तब तक है ना सब लोगों को मालूम हुआ कि मेरा शादी है, सब मेरे फैमिली, हमारा चर्च, हमारे लीडर्स, मीन्स एवरीबडी वॉज हैप्पी फॉर इट। और उन दिनों में एक सिस्टर आई थी और मैं उसके पास प्रार्थना करने के लिए गई, और मैंने कहा कि मुझे ना मेरा शादी के बारे में ऐसा हो रहा है और मुझे काउंसलिंग भी करना है। तो उसने मेरे लिए एक प्रार्थना किया, और ये प्रार्थना एकदम शॉर्ट प्रार्थना था, और उसने कहा कि प्रभु अगर ये तेरी इच्छा है तो ये होने दो, और अगर ये तेरी ओर से नहीं है तो पवित्र आत्मा इसे तू तोड़ देना। या तो उतना ही प्रार्थना किया मेरे लिए, लेकिन आगे मेरे जीवन में जो होने वाला था मुझे मालूम नहीं था। लेकिन थोड़े दिन के बाद है ना, डेविड हमारा जो क्लोज नेबर था मुंबई में, तो उसके साथ उसका कांटेक्ट था, और हम लोग एक दिन पिकनिक गए थे, न्यू लाइफ पिकनिक में गए थे, और वहाँ पे वो सिस्टर ने आके मुझे बोला कि है ना मालूम है कि डेविड वापस से नहीं आने वाला है। तो उसके बात को सुन के मुझे बहुत इतना प्रॉब्लम हुआ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ना। दैट सिचुएशन वॉज लाइक यू नो पिकनिक, वी आर ऑल इंजॉइंग, हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, और ये सुन के मुझे धक्का लगा कि ये कैसा है ये ना, मीन्स मुझे मालूम भी नहीं है कि ऐसा मेरे जीवन में होने वाला है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग पानी में खेल रहे थे, तो मेरी फ्रेंड मुझे एनकरेज कर रही थी, अरे ट्रीजा डोंट शो एनी बडी, कि तुम मत दिखाना तुम्हारे अंदर क्या जो भी दुख है ना, और तुम खेलते जाना। और जैसे मैं पानी में खेल रही, मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं उड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना दुख आने लगा कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मीन्स उसको मुझे मीन्स वो जो मुझे पेन हो रहा था। तो वो जब हम पिकनिक से निकल गए, वो रात को मैं प्रभु के पास गई, और उस समय है ना मेरा दिल इतना हृदय भारी हुआ, और जैसे मैंने प्रार्थना को बैठी तो पवित्र आत्मा का उपस्थिति मेरे ऊपर आई, एंड होली स्पिरिट प्रेजेंस वाज सो रियल टू मी।
वो टाइम पे, और मुझे एक एक बात को दिखाने लगा प्रभु। और मैं बोलती प्रभु मैं उसके क्षमा करती हूँ, मैं उसको रिलीज करती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, ऐसा करके करके मैं उसको रिलीज कर रही थी। और रिलीज करके बाद में मुझे छुटकारा मिला। वो टाइम पे मैं बहुत रो रही थी और मुझे रिलीज हो गया और मैं सोने गई। लेकिन मैंने और दूसरा ये हो गया कि जो भी मेरा इमोशन का प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे जो मन में है ना एक युद्ध था, और मैं हमेशा मेरे मन में ऐसे लड़ाई हो रही थी, मीन्स ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसे बोलूंगी, मैं वैसे बोलूंगी, वो आएंगा ना तो मीन्स इफ डेविड कम मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, ऐसा लगातार कंटिन्यूसली मेरे मन में वो अटैक हो रहा था। और ये कितना समय हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना शायद 2-3 या 4 महीना ऐसा, मीन्स इट वॉज अ गैप, यू नो 2-3 महीना शायद। तो फिर ये थॉट्स जो मेरे मन में है ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक समय ऐसे ही शीला के घर में मीटिंग था और हम लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, और तभी अगेन देयर वाज सो मच प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट यू नो वो टाइम पे। और मुझे उस समय में पवित्र आत्मा की सेवकाई हो रही थी, और जैसे मैंने इन बातों को रिलीज किया है ना, तो मेरे दूसरे दिन मैंने देखा कि जो मेरे मन में जो बैटल है वो भी मेरे मन से ना मुझे छुटकारा मिला। ओके और तुरंत वो जो थॉट्स थे, वो जो लड़ाई थी मेरे मन में, वो खत्म हो गई दूसरे दिन से, और मुझे कम्प्लीटली रिलीज मिला। तो इस तरह से है ना, जैसे कि यहोवा है ना टूट पड़ता है अपने दुश्मनों के ऊपर, किस तरह से वो हमारे भावनाओं के ऊपर जो हमको इतना दर्द दुख होता है, जब हम उसको वो देते हैं इन बातों को, तो वो हमें छुटकारा देता है। और मेरे जैसे कि यू नो आवर माइंड इज अ बैटल फील्ड, हमेशा हमारे मन में जो लड़ाई होती है, कभी कभी हम उसको डील नहीं करते हैं और उन बातों को हम छोड़ते हैं, लेकिन हमको इन बातों को हल्के में से नहीं लेना है, हमको शैतान को कार्य करने नहीं देना है, हमारे मन में घर या बंधन बनाने के लिए नहीं देना है, हमको उसके ऊपर विजय पाना है। और यहोवा हमें हमेशा हमारे साथ है और वो हमें विजय देता है। और एंड द लास्टली कि मुझे ऐसा भी हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया है ना, मैं इतने लज्जित में, यू नो इट वॉज लाइक अ शेमफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और मुझे बहुत ये बातों को मैं प्रभु के सामने वापस से मैं प्रभु के सामने में लेके गई इन बातों को, और कहा प्रभु ये क्यों तूने होने दिया, ऐसा क्या हो गया मेरे जीवन में है ना, मीन्स मुझे इन बातों से जाना पड़ा। और मैंने कहा कि प्रभु मुझसे तू बातें कर, मुझे तू दिखा यू नो इन बातों से। एंड एट दैट वेरी मोमेंट मुझे एक स्क्रिप्चर दिखाई दिया, जस्ट लाइक मेरे सामने एक स्क्रिप्चर आया, और मैंने वो ना कभी पढ़ा था ना मैंने सुना था या किसने भी वो प्रीच नहीं किया था, लेकिन मैं वो वचन को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इस तरह से प्रभु मेरे साथ बातें किया। और दैट इज इन नीति वचन 24, 24, 24 और 11 और 12 में ऐसा लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटी जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता, क्या तेरे प्राण का रक्षा इसे नहीं जानता, या रक्षक इसे नहीं जानता, और क्या वह हर एक मनुष्य के काम को फल उसे न देगा। तो ये वचन से मुझे कम्प्लीटली छुटकारा मिला, प्रभु मुझसे बातें की और ना यहाँ पे वो कहता है कि जैसे कि ये जो भी मेरा रिश्ता था इसके डेविड के साथ, वो एक एक जैसे कहता है कि ना जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छोड़ा। तो यहोवा ने मुझे वो दिन उस रिश्ते रिलेशनशिप से बचाया और मुझे समझ दिया, देखो हमारा जीवन उसके हाथ में है और वो हमेशा वो चाहता है वैसे वो करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो और हम कहते हैं यदि तू कहे कि देख मैं
इसको जानता नहीं था, हम नहीं जानते हमारा फ्यूचर, लेकिन प्रभु जानता है। आमेन। क्योंकि मन का जांचने वाला इसे नहीं नहीं समझता, वो जानता है मेरे जीवन के बारे में। क्या तेरे प्राण का रक्षक इसका इसे नहीं जानता, जो मेरे प्राण का रक्षा करने वाला वो जानता है। आमेन। तो ये थी ये एक्सपीरियंस से मुझे है ना, प्रभु ने किस तरह से हर एक एरिया में, इमोशनली, माइंड में, और फाइनली उसके वर्ड के द्वारा मुझे दिखाया कि उस मेरा जीवन उसके हाथ में हाथ में है। और वो प्रॉब्लम है ना हमेशा रूट से निकलता है। ओके। तो इसलिए हमको जैसे ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना, जब भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसके पास भागते हैं, मनुष्य के पास भागते हैं, या वही प्रॉब्लम्स में हम शैतान को कार्य करने देते हैं, या हम यहोवा के पास जाके उसका जवाब देना चाहिए, या उसको हमको ये करना है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि डोंट लेट द एनिमी ओवरपावर यू, सप्रेस यू एंड ऑप्रेस यू, है ना। दुश्मन को तेरे ऊपर विजय पाने के लिए, तुझे नोचने के लिए, तुझे दबाव में लाने के लिए नहीं, लेकिन लेट या ब्रेक थ्रू इन आर लाइव्स एंड सिचुएशन, लेट यहोवा ही हमारे परिस्थिति में, हमारे चैलेंजेस में, हमारे सिचुएशंस में वो टूट पड़ना है, वो हमें विजय देगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम यहोवा को ढूंढ रहे, हम पश्चाताप करते हैं, क्या हमारा यहोवा ये ना इस कोविड के ऊपर टूट नहीं पड़ेगा, क्या वो विजय नहीं देगा, इससे हमें छुटकारा नहीं देगा। तो लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि फाइनली जैसे कि पास्टर चंद्र ने कहा था है ना, कि यो हमेशा दिस पॉटर यहोवा ने यरमाया को पॉटर के पास लेके गया और उसको कहा, कैन आई नॉट डू विथ यू इज़राइल, यू नो मीन्स जो मुझे मैं चाहता हूँ क्या तुमसे करने के लिए, तो क्यों ना हमारा जीवन, हमारी विश, हमारी इच्छा, हमारे लॉन्गिंग, हमारे जो भी कुछ है जीवन, पूरी तरह से उसको देना है, और हमारा जीवन उसके लिए लेट्स डेडिकेट आवर हार्ट, आवर लाइफ, सरेंडर आवर लाइफ टू हिम, एंड लेट गॉड डू व्हाट ही वांट्स टू डू इन आवर लाइफ। आमेन। लेट हिम हैव हिज प्लेस एंड लेट द लॉर्ड ब्रेक थ्रू इन आवर सिचुएशन इन व्हाटएवर इट मे बी। आमेन। थैंक यू पास्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। आई नो नॉट